ब्रजेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल साकेत मुजफ्फरनगर। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत करते हुए मेरा सभी को नमस्कार। आज हम जनन एवं प्रजनन प्रक्रम पर वार्ता करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीवों के अंदर जीव जो होते हैं, हम किसको जीव कहते हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं, उनको एक एक करके देखेंगे और बताएंगे। आप मैं रहूँगा, बताइए पहला क्या हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बताया वृद्धि करना। दूसरा गति करना, बहुत अच्छे। तीसरा पोषण, हाँ। चौथा क्या होगा, चलिए श्वसन। और पांचवा होएगा उत्सर्जन। छठा जनन या प्रजनन। ये सजीवों के अंदर आती है, जो मैंने पांच छह बातें आपको बताई हैं, वृद्धि करना, गति करना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन या प्रजनन। तो इसमें ये जो जनन प्रजनन है, ये हमारा आज का प्रकरण है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें जनन कहते किसको हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है, उस क्रिया को जनन या प्रजनन कहेंगे। इससे वंश की निरंतरता, जाति की निरंतरता बनी रहती है। एक निश्चित समय के बाद, जीव की मृत्यु होने के बाद भी उनका वंश चलता रहता है। ये जनन या प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। जनन तीन प्रकार का होता है, सबसे पहले लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा कायिक जनन, सोमेटिक रिप्रोडक्शन। इन तीनों जनन के, सबसे पहला इसमें लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पुष्प की संरचना के बारे में बात करनी होगी और उस पर हम जाएंगे इधर से। ये देखिए पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प के चार भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, एक समूह है, एक से ज्यादा दल हैं इसमें, इसलिए इसको दलपुंज कहेंगे, बाह्य दलपुंज कैलिक्स। दूसरा दलपुंज कोरोला, और तीसरा है पुमंग एंड्रोशियम, चौथे नंबर पे है जायांग गाइनोशियम।
अब इसमें बाह्य दलपुंज की बात करेंगे हम। बाह्य दलपुंज में दलों की संख्या होती है चार, रंग इनका होता है हरे और पीले रंग का। ये जैसे दिखाया है हरे रंग का, ये हरे रंग का ये बाह्य दल है, दोनों बाह्य दल है जो सभी ये हरा रंग है। काम इसका होता है, एक तो आपने फूल को कभी कली की अवस्था में देखा होगा कि फूल खिलने से पहले कली की अवस्था में हरे रंग का ही होता है और उसके अंदर से फूल निकलता है कोमल भाग, तो फूल के कोमल भाग की सुरक्षा जो होती है वो इसी बाह्य दल के द्वारा होती है। एक दूसरा नंबर, इसका रंग हरा होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेता है। इससे आगे चलेंगे, संख्या चार बताई हमने, कार्य बता दिए दोनों। इससे आगे आता है दलपुंज, दल की संख्या भी चार होती है। सरसों के पुष्प का वर्णन हो रहा है, सरसों के पुष्प में दलपुंज भी चार होते हैं, रंगीन होते हैं सरसों के पुष्प में, जबकि पीले रंग के होते हैं। अन्य पुष्पों में यो नीले रंग के भी हो सकते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, बैंगनी भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, सभी तरह के यानी दल जो होते हैं रंगीन होते हैं। तो यहाँ पीले रंग के दल दिखाए हैं आपके, इसमें चार होते हैं। दलों का काम क्या होता है, रंगीन यानी रंग, रंग जो होते हैं आकर्षित करते हैं, तो रंगीन होने से पुष्प जो है कीटों को आकर्षित करते हैं। अब कीटों को आकर्षित क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका वर्णन हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल जो है दल से आगे पुमंग पे आएंगे, एंड्रोशियम। पुमंग एंड्रोशियम, इसमें पुंकेसर होता है। पुंकेसर ये जो दिखाया है आपका, ये पुंकेसर है। ये सरसों के पुष्प में इनकी संख्या छह होती है, चार बड़े दो छोटे। ये चारों जो हैं बड़े दिखाए गए हैं, तो चार बड़े दो छोटे होते हैं पुंकेसर के भाग। ये अगर हम देखेंगे तो ये आपका पुंकेसर बनेगा, ये हो गया। तो इसको हम कहेंगे पुतंतु, ये पुतंतु, और इसको कहेंगे प्राग कोष। इसे कहेंगे योजी। पुतंतु के द्वारा पूरा पुंकेसर जो है पुष्प पे लगा होता है। ये प्राकोष है, इनके अंदर प्राकण होते हैं। योजी जो होती है ये दोनों को जोड़ने का काम करती है। ये बात हो गई यानी एंड्रोशियम। इसके बाद आता है गाइनेशियम जायांग। जायांग में स्त्री केसर होता है, ये आपका यहाँ ऐसे बनेगा। मैं बता रहा हूँ इसको, अभी ध्यान देंगे इसको ऐसे। इसे कहते हैं अंडाशय, इसे कहेंगे वृत्तिका, और ये आगे का भाग होता है वृत्तिकाग्र। ये अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्रीय, स्त्री केसर के तीन भाग हुए हैं। इन दोनों का काम होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों का काम होता है जनन की क्रिया में भाग लेना। निषेचन की जो क्रिया होती है वो इन्हीं दो भागों के द्वारा होती है। आगे अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पौधों का, दलों का रंगीन होना क्यों आवश्यक है। रंगीन दल कीटों को आकर्षित करते हैं। कीट जब एक पुष्प पे जाते हैं, वहां से
वर्तिकाग्र पे से लसलसा चिपचिपा पदार्थ जो मकरंद होता है उसको अपने पंखों में अपने पैरों में चिपक जाते हैं, और उसके साथ साथ पराग कोष में से निकलने वाले जो परागकण होते हैं वो भी उन पर चिपक जाते हैं। और जब कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वहाँ जाके भी मकरंद ही चूसने का काम करेगा। उसके दौरान जो उसके पंखों पे पैरों पे परागकण लगे हुए होंगे वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर छूट जाएंगे। इससे क्या होगा कि वर्तिकाग्र से जो आपके प्राक एक पुष्प से जो परागकण लेके गए दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर छूट गया, ये क्रिया भी जो एक कहलाती है इसको कहते हैं परागण। तो परागण में सहायक होता है रंगीन होना, पुष्पों का रंगीन होना परागण में सहायक होता है। अब हम करेंगे कि परागण क्या है, किसे कहते हैं। तो परागण वही है कि किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये परागण कहलाता है। तो परागण दो तरह का होता है। एक होता है आपका पोलिनेशन, यानी नंबर एक स्व परागण, सेल्फ पोलिनेशन, परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। अब इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि स्व क्या होता है, पर क्या होता है। स्व का अर्थ होता है स्वम, यानी जहाँ पे अपने आप ही यो क्रिया हो जाती है, किसी की बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा है परपरागण, ये अपने आप नहीं हो सकती, इसमें निश्चित ही किसी दूसरे कारक की आवश्यकता होएगी, इसलिए इसको हम परपरागण कहेंगे। अब स्व परागण जो हो सकता है वो किन पुष्पों में होता है, वो होता है द्विलिंगी पुष्पों के अंदर आराम से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। क्योंकि द्विलिंगी का अर्थ होता है द्विलिंगी पुष्प, यानी वे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों जननांग होते हैं उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। एक लिंगी वो होता है जिसके अंदर नर या मादा, मेल अथवा फीमेल दोनों में से कोई एक होगा, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें पोलिनेशन यहाँ पे दिखाने की वो करेंगे हम आपको। ये आपका स्व परागण, और इसके लिए हम परपरागण इससे दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये पुष्प है, इस पुष्प से यहाँ से परागकण अगर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर भी आ सकते हैं या फिर यहाँ से इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं, तो एक ही पौधे के इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या इसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर चले जाएंगे तो इसे हम स्व परागण कहेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे परागकण किसके होंगे, मेल जननांग होगा यानी नर होएगा, और मादा भी इसी पे है तो इसी पे ही हो जाएगा। तो ये आपका द्विलिंगी अगर पुष्प है तो उसमें आसानी से हो जाएगा, ये एक लिंगी पुष्प में आसानी से होता है। अब देखिए, अगर इस पुष्प के परागकण इस पुष्प पे जाएंगे तो ये आपका परपरागण हो जाएगा, इसको हम परपरागण कहेंगे। अब ये परपरागण किन किन तरीकों से होता है, ये आपका जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, और मनुष्य के द्वारा हो सकता है, कीट के द्वारा हो सकता है, इन तीन चारों से ये हो सकता है परागण क्रिया। तो यहाँ पे निकल के आया कि दल रंगीन क्यों होते हैं, क्या फायदा है उनका, वो कीटों को आकर्षित करते हैं और कीटों का ये काम होता है। तो परागण के बारे में बता दिया। अब इसके बाद आती है तो आपकी, जैसे आपके परागकण वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे तो वहां से पराग नली निकल के
वर्तिका में से होती हुई अंडाशय तक पहुंचेगी, तो एक प्रागनली न होके एक से ज्यादा प्रागनली जाएगी, लेकिन जो प्रागनली सबसे पहले जाएगी वो ही अंडाणु के साथ मिलकर यानी निषेचन में भाग लेगी, अन्य सारी की सारी प्रागनली नष्ट हो जाएगी। तो ये अब इसमें निषेचन कौन सी क्रिया हुई, निषेचन कहते हैं इसको। यदि नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों के मिलने पर युग्मनज बनता है उसे निषेचन कहते हैं, उस क्रिया को। अब इसमें आगे चलेंगे, इससे लैंगिक जनन की बात हो गई है, लैंगिक जनन आपको बता दिया इसमें पुष्प के दौरान। अब दूसरा आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन उसके अंदर हुआ जिसमें नर और मादा होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। अलैंगिक जनन इसमें नर और मादा का होना आवश्यक नहीं है, यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। अब इसमें जंतु भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे आपके। एक होता है द्विखंडन, ये अलैंगिक में सबसे पहला है द्विखंडन बहुखंडन, जिसे कहेंगे बाईफिशन तथा बहुखंडन पॉलीफिशन। तो द्विखंडन का मतलब दो भाग होना, बहुखंडन का दो से ज्यादा भाग होना, और भोजन तथा वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, इन तीनों में ये द्विखंडन के द्वारा ही दो जीव बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, मैं आपको इसका बता रहा हूँ एक बार। ये अमीबा की जो आकृति होती है, ये इसका आकार निश्चित नहीं होता। अब इसमें देखिए, इसी से यहाँ से थोड़ा ये टूट जाएगा और ये नया पादाब बन जाएगा, इसे वैसे हम पादाब कहेंगे। बल्कि अमीबा के अंदर जो गमन होता है, चलना होता है, वो भी इसी पादाब के द्वारा होता है। एक स्थिति ये आती है कि ये यहाँ से कट जाता है और एक दूसरा अमीबा बन के तैयार हो जाता है। तो द्विखंडन, एक से दो बनना, ये द्विखंडन है आपका। इसके बाद एक है आपका द्विखंडन, दूसरा मुकुलन, बर्डिंग कहेंगे जिसको, वयस्क हाइड्रा में। ये तो आपका प्रोटोजोआ के अंदर हो गया, एक कोशिकीय जीव में, और ये मुकुलन बर्डिंग वयस्क हाइड्रा में शरीर के किसी भाग पर धीरे धीरे एक उभार बनकर अंत में शिशु हाइड्रा का रूप लेता है। अब इसको कैसे बताएंगे, इसे बार देख लेंगे। ये हाइड्रा होता है, ये इसमें से ये ऐसे के होते हैं, स्पर्शक होते हैं वो, और इन्हीं पे दंश कोशिकाएं होती हैं ऐसे। ये हाइड्रा है, इसी से इसी में एक छोटा सा उभार ऐसे बन जाता है, ऐसे मैं आपको बताता हूं, ऐसे ऐसे, और यहां से ये पृथक होके एक अलग जंतु, एक स्वतंत्र जीव का जीवन यापन करता है। यानी ये भी शिशु हाइड्रा है यो, जो इससे बना है ये। तो ये इसको हम मुकुलन कहेंगे, बर्डिंग कहेंगे इसको, इसके द्वारा हाइड्रा में होता है। इससे आगे तीसरा आता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। अब री का मतलब पुनः होता है, एक बार अगर जीवित हुआ है, जीव बना है, तो दोबारा भी उससे बन सकता है। ये सितारा मछली में होता है, और एक होता है मछली के अंदर,
छिपकली, सॉरी मछली नहीं, छिपकली के अंदर। अब ये आपका सितारा मछली में और छिपकली में, तो छिपकली में तो एक बार शरीर का कोई अंग टूट जाता है तो दूसरा बन के नया जीव बन सकता है जीवन में केवल एक बार। तो सितारा मछली और छिपकली दोनों में जो होता है पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन के द्वारा ही नया जीव बनता है। अब इसमें आगे तीसरे नंबर का जो जनन है वो है कायिक जनन। कायिक जनन का आप ये बताइए कि कायिक जो शब्द बना है वो किससे बना है? वो बना है काया से। काया, काया में अगर इक लगाया है, इक प्रत्यय कहते हैं इसको बाद में लगाने वाले को, तो यानी बाद में जो लगता है उसे हम प्रत्यय कहेंगे। काया में एक लगाएंगे तो कायिक बनेगा। काया का अर्थ होता है शरीर, यानी शरीर से भी नया जीव बनता है। पौधे के अंदर होता है ये, और पौधे के भाग जड़ तना पत्ती, तीन भाग होंगे जड़ तना पत्ती, तीनों के द्वारा यानी कायिक जनन ये हो गया आपका। पौधे की जड़ तना पत्ती के द्वारा नए पौधे बनना कायिक जनन। अब जड़ के द्वारा किस किस में बनेगा? जड़ के द्वारा बनेगा शकरगंध, यानी पहला है ये जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा ये बनता है शकरगंध, शकरगंध, और एक होता है डहेलिया, डहेलिया। दूसरा तने के द्वारा, तने के द्वारा होता है गन्ना, गुलाब, और तीसरा आएगा पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा इसमें आएगा एक अजूबा, एक होएगा केलांशु, बिगोनिया, ये तीन, इनमें अजूबा, इन तीनों में पत्ती के द्वारा जनन होता है। तो जड़ के द्वारा बता दिया, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, ये आपका कायिक जनन हो गया। अब इसमें इधर देख लेंगे एक बार, पुष्प के भागों में बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज कोरोला, उमंग एंड्रोशियम, जायांग गाइनोशियम, ये इसको यानी कि शाब्दिक अर्थ में भी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में याद होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रागण, पोलिनेशन, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, पुंकेसर के भाग, पुतंतु, फिलामेंट, प्राकोष, पोलन सैक, योजी, कनेक्टिवा, और स्त्री केसर के भी इसी तरह से तीन भाग होते हैं। नंबर एक अंडाशय ओवरी, दो वर्तिका स्टाइल, तीसरा है वर्तिकाग्र स्टिग्मा। अब इसमें ये आया एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी। एक लिंगी को अभी बताया था मैंने, जिन पुष्पों में नर और मादा में से कोई एक होता है उसे हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और दूसरा है एक लिंगी में कौन कौन से आएंगे, तोरई आएगा, पपीता भी आएगा, और इसमें द्विलिंगी के अंदर आएगा यानी बाइसेक्सुअल जो लिखा हुआ है द्विलिंगी, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। इसमें तो बहुत सारे पेड़ हैं, आम भी है, जामुन भी है, नीम, जब सब जो है इसी में आएंगे, ज़्यादातर द्विलिंगी ही होते हैं। मतलब इसके बाद अब इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन
गृह कार्य के उसमें देंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा जनन कितने प्रकार का होता है। इनको मैं एक बार दोहरवा दूंगा अभी। दूसरा है पुष्प के भागों के नाम। तीसरा है परागण के प्रकार लिखिए। और नंबर चार प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है पांचवा, ये होएगा आपका निषेचन किसे कहते हैं। ये अब इन पांच क्वेश्चन को एक बार बता दूंगा। जनन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है जनन। होता है तीन प्रकार का। सबसे पहले लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा होता है कायिक जनन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुष्प के भागों के नाम लिखिए। पुष्प के भाग पहला है बाह्य दलपुंज, नंबर दो दलपुंज, नंबर तीन पुमंग और नंबर चार जायांग। इससे आगे परागण के प्रकार लिखिए। एक होता है स्वपरागण और नंबर दो होता है परपरागण। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? फलों और बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बिखरना, उसे प्रकीर्णन कहेंगे। प्रकीर्णन किन किन के द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। ये प्रकीर्णन इन तरीकों से होता है। निषेचन किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन यानी मेल नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों मिलकर युग्मनज बनाते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये आज की कक्षा में बस इतना ही है और आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए को नमस्कार। बहुत